से बिल कर दीजिए। मामला ये है कि 13 तारीख को 13/8/2018 को जब प्रतिदिन की तरह जब 2 बजे वाली ड्यूटी में हम लोग आए तो यहाँ पे 3 कांवरिया और 4-5 मरीज बड़े थे और क्या कहते हैं 2 बच्चे सीरियस पड़े हुए थे और 3-4 मेडिकल होने थे। तो थोड़ी देर बाद हम लोग कांवरियों का काम कर रहे थे क्योंकि कांवरिया वीआईपी होता है, उनका हम लोग काम कर रहे थे। तभी क्या कहते हैं एमएल शर्मा आते हैं आधे घंटे बाद और कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरा मरीज नहीं भर्ती किया, ये नहीं किया और बदतमीजी करी। और ये 13/8/18 का मामला है, क्या कहते हैं हम लोग प्रतिदिन की तरह 2 से 8 वाली ड्यूटी पे थे और 3 कांवरियां एक्सीडेंटल पहुंचे हुए थे और 4-5 मरीज सीरियस थे, 2 बच्चे सीरियस आ गए थे जिसमें एक बच्चा ब्रॉड डेथ आया हुआ था। हम लोग काम कर रहे थे तभी क्या कहते हैं थोड़ी देर में एमएल शर्मा साहब आए, बोले हमारे मरीज को भर्ती नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया और हम लोगों से मुझसे क्या कहते हैं गाली गलौज करने लगे और सुरेश प्रकाश से भी गाली गलौज करने लगे। मुझसे बोले क्या कहते हैं तू बाडवा है, अपनी बाडवाई की औकात में रह, तू मत बोल, और जान से मारने की धमकी दी। और सुरेश प्रकाश से बोले कि तू भंगी है क्या कहते हैं और तू अपनी औकात में रह, तुम कैडर से मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, यही मामला है। उसके बावजूद भी उन्होंने अपना मरीज नहीं भर्ती किया और अंत में जब क्या कहते हैं सारे सीरियस मरीजों को हम लोगों ने निपटा लिया, जेल जाने के मेडिकल करा दिए, उसके बाद इनके दोनों मरीज पीएमओ ने ही भर्ती किए और जबकि उनकी जिम्मेदारी ये थी कि अपना मरीज वहीं पे भर्ती करके तब भेजते। ऑलरेडी रिटायर हो चुका हूँ, यहाँ जो है पब्लिक को सेवा देने के लिए पुनर्नियोजन में नियुक्त की गई है मेरी सरकार की तरफ से और दिनांक 13 को मैं यहाँ ओपीडी देख रहा था, डॉक्टर धस्माना उस दिन थे नहीं, इसकी वजह से दोनों लोगों के मरीज जो है अत्यधिक भीड़ थी। उसी समय भीड़ में 2 पेशेंट जो है अनीता एक का नाम था जो टीवी में एडमिट है और दूसरा धर्मा जो आईसीसी में एडमिट है, ये मरीज दोनों आए थे, दोनों सीरियस थे काफी, इसलिए मैंने पर्चे पे ये लिख के भेज दिया ईएमओ प्लीज एडमिट द पेशेंट बिकॉज दूसरे पेशेंट आर वेरी सीरियस। मैं जब ओपीडी खत्म करने के बाद 2:20 बजे मैं ओपीडी से उठा, उसके बाद मैं जब इमरजेंसी गया मैंने देखा जो मरीज के अटेंडेंट हैं उन्होंने मुझे बताया कि सर मुझे हम लोगों को तो यहाँ बहुत हड़काया गया और हमारे मरीज भी एडमिट नहीं किए गए। तब मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, भीड़ भाड़ है इसकी वजह से नहीं हुए होंगे एडमिट, चलो मैं एडमिट कर देता हूँ। उसके बाद मैं एडमिट करने के लिए जैसे ही फार्मेसिस्ट से बीएससी लेकर मैं इमरजेंसी में एडमिट करने लगा तो बाडवा राधेश्याम गुप्ता जो है कहने लगे कि आप अपने मरीज ओपीडी में ही एडमिट क्यों करते हो, यहाँ ईएमओ के पास क्यों भेजते हो। मैंने कहा भाई राधेश्याम आपसे क्या मतलब, अगर इसके बारे में कोई बात करे तो ईएमओ को करनी चाहिए। उसके बावजूद भी मेज ठोंक ठोंक कर बार बार वो ये कह रहा था कि क्यों मतलब नहीं है, हमें सबसे मतलब है, हम सब यहाँ हमारी ड्यूटी है यहाँ, ये सब जो है कहने लगा और बोले आप यहाँ ईएमओ के पास मरीज ना भेजा करें। मैं पहले भी आपको एक बार जो है सुधार चुका हूँ, आपको जो है कह चुका हूँ मुझसे मत उलझा करो और मुझसे उलझने का परिणाम अच्छा नहीं होगा, मैं आपको डॉक्टरी करना बुला दूंगा, आप पे इतने केस SC ST में लगवा दूंगा कि आप बिल्कुल जो है सही हो जाओगे, कभी किसी से बाडवाय से किसी को क्लास से कोई बात नहीं करोगे, किसी से कोई जो है बात करने में भी तुम्हें डर लगेगा, ये सब इस तरह की बात करने लगा। मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा भाई राधेश्याम मैं तो तुमसे कोई बात ही नहीं कर रहा हूं और दूसरे मैं यहाँ जो है ईएमओ आपको बात करनी चाहिए, जो भी है ईएमओ इस बीच कुछ नहीं बोले। डॉक्टर पास गया, डॉक्टर हमने कह दिया कि हम भर्ती करा दो, हम उन गए तो हमने हमारे ना धक्का दो और ये नहीं हो रही, कोई मर्जी नहीं हो पाया। किसने धक्का दिया? राधेश्याम है उनका नाम है, राधेश्याम ने धक्का दिया और नहीं मरीज कोई पता ना हो जो पैर चढ़ के गया है उसका मरीज नहीं है, जो अब जो कांवरिया आ रहा है इनको करेंगे और जो वैसे मरीज है तो होश नहीं है उनको करेंगे जिसको भी करेंगे। वे बार बार हमारे ऊपर उल्टी कर रही है और कहते गिरती चली आ रही है, ढकेले दे रहे हैं, हम जा अस्पताल में आ रहे हैं तो बामे आ रहा है, बामे आ रहा है, हमारे को बीमा करा, हम बहुत उनके नहरे कर रहे हैं हमारे घर में, हम उनसे जा रहे हैं तुम इतने अच्छे आदमी हो तुम आज क्यों ना कर रहे चाह रहे हैं,
और नहीं हम नहीं कर पाएंगे, जाओ ही सर। मैंने ऐसे कल धक्का दिया, हम चले आए, हम फिर आए डॉक्टर साहब के जाने। डॉक्टर साहब उन्होंने बोला कि जैसे आवे बोले डॉक्टर साहब उसे ही बोले, उन्होंने कहीं कहा था चलो हम करा देंगे। वे आए पहुंचे उनसे हुए झड़ा कर बैठे, वे कोई बात सुनिए ना रहा, कोई समझिए ना रहा, वे अपनी पहले बारे बात कर रहे, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, ढंग से बात नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब वहाँ पहुंचे, डॉक्टर साहब पहुंचे, फिर क्या हुआ? फिर वे अपनी अपनी भाषा बैठे पड़े, लड़ाई करे पड़े, बोले तुम बार बार भेजते हो, तुम्हारा मरीज है क्या बात है, तुम्हारे देखते हो। फिर न कहीं हमारे सब मरीज है, हमारे सब मरीज है, देखो कहा था मैं तो सबको देख लू, ज्यादा झगड़ा करे पड़े तो हमने दोनों से कहा दवा झगड़ा कोई मत करो, मरीज को ले लिया तो बोलो। उन लोगों ने डॉक्टर साहब से क्या कहा? हाँ डॉक्टर साहब ने, नहीं उन लोगों ने डॉक्टर साहब से क्या करा दिया? डॉक्टर साहब से क्या कह रहा था, हमने तुम्हारे बात फिर बात बंद करके मार चुका है, फिर फिर वही बात करे पड़े, तुम्हें फिर हम सुधार दे। डॉक्टर साहब को हमने डॉक्टर साहब को नहीं बताया जब हमने बोलो, उन लोग आपको सुन सब लोग कह रहे जब तो हमने कही ऐसी बात है, डॉक्टर साहब को ऐसी बोली बोल रहे हैं, उन्हें तुम्हारी तुम्हें फंसे आओ, तुम पैसा मांग रहे हो, बोला हम पर बचा नहीं है कि हम पैसा नहीं पाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, पैसे दे हमने के पैसे तो नहीं पाएंगे, पैसे होते तो हम ही कह आते से बात हमसे और हमारा मरीज धरती पर कभी पढ़ो, अब मरीज को देखना आ रहा है बताइए, बहुत हम मरीज से बहुत परेशान है, तो हमने कहा ठीक है हम घर पर ले जा रहे, फिर हम तुम्हें देखते हैं, हमने ऐसी बात बोल सकते हैं। फिर मरीज भर्ती हो गया आपका? फिर जब मरीज भर्ती करा, फिर हमने वो गए साहब के पास पहुंचे, साहब ने लिख दिया तो इन मरीज को जल्दी भर्ती कर दिया, फिर मरीज करा। तो कुछ कहा किसी से कर्मचारी से? डॉक्टर साहब ने कोई बात नहीं कही, गलत बात कई लोग झगड़ा करे पड़े, पेट तड़प रहे, बिजली तरह खूब तड़प रहे, उनकी कोई गलती नहीं है, डॉक्टर साहब की कोई गलती नहीं।